अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोग इसमें सी लैंग्वेज के अंदर इवन एंड ऑड बहुत पुराना है लेकिन वीडियो देना बहुत ज़रूरी है कि इवन और ऑड हम प्रोग्राम अगर सी लैंग्वेज में बनाएं तो वो किस तरीके से जनरेट किया जाएगा या बनाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं काम। इसमें अभी बता देता हूँ कि किस पे होगा। इफ़ की कंडीशन से हम लोग शुरू करेंगे। अभी मैं जो 2 से 3 वीडियो आपको आगे दूंगा वो इफ पे होंगी, इफ और नेस्टेड इफ। सही, काम शुरू करता हैश इंक्लूड डॉट एच आ गया इंटीजर मैन वॉइड ब्रैकेट ओपन। एक वेरिएबल लूंगा मैं इंटीजर ए का। सही, बाकी इसको इनपुट मेथड से मैं करूंगा इंशाल्लाह। पेरेंट एफ इंटर वैल्यू, जो कमेंट आप देना चाहें इंटर वैल्यू फॉर चेक स्कैन एप। सही, फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया डी आ गया। सही, कॉमा एम परसेंट ए। सही, मैंने लिखा मिसाल के तौर पे इफ ए जो मैं दूंगा उसका मॉड्यूलस अगर 2 हो के बराबर है 0 के। सही, तो आप प्रिंट करा दो क्या, प्रिंट करा दो आप ऑड। सही, वरना एल्स प्रिंट एफ इवन कंट्रोल एस एफ 11। सही, 2 हमारे पास क्या होता है ऑड, दोबारा चेक करना है एफ 11 मैंने प्रेस किया। मैंने इनपुट मेथड से किया तो वैल्यू मैं वो खुद देनी पड़ रही, मैंने लिखा 25 इवन होता है। सही, कोई मसला नहीं है, सारा काम आपके सामने किया हुआ। एक दफा इसको दोबारा बता देता हूँ, मॉड्यूलस का जिक्र मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। सही ना, अब अगर कोई पहली दफा ये वीडियो देख रहा है जिसने मेरी कोई पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने डिवाइजर और मॉड्यूलस की बात की थी, मैं उसको दिखा देता हूँ। थी ब्रश, सही, मैंने कुछ इस तरीके से अपना काम करके दिखाया था। अगर मैंने क्या रखा है यहाँ पे मिसाल के तौर पे 40। सही, चलो इसको 40 40 आ गया। 10 से मैं इसका मॉड्यूलस ले रहा हूँ, 10 फोर 40 क्या है यहाँ पे 40 फोर आया, 4 आ गया और ये आ गया आपका क्या 0। ये जो आपका हिस्सा होगा ना ये रिमाइंडर है। सही, और ये आपका डिवाइजर है। सही, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने इसी तरीके से सॉल्व करके इसको, इफ ए मॉड्यूलस 2 है अगर वाकई बराबर है 0 के तो वो नंबर जो हो जाएगा मतलब जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो ऑड होगा। सही, जो नहीं होगा वो इवन के लाएगा। सही,